morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, after half yearly exams, today we are doing one activity. Beta, in this activity, you will learn a lot of things and one important things. You have to submit this activity till 6 November. Because, beta, this will count in your midterm exams. Okay? You will get 10 marks of this activity. So, you have to do it very carefully. Okay? Shall we start? Students, you have to open page number 13 of your textbook. आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 ओपन करोगे. यही हमारी एक्टिविटी है बेटा. वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू यूज़ A4 शीट टू राइट द स्टोरी. व्हाट इज़ आर एक्टिविटी? राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 300 टू 400 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. आपको इस पिक्चर की हेल्प से एक स्टोरी क्रिएट करनी है. ओके, रिमेंबर दैट योर स्टोरी मस्ट हैव, आपकी स्टोरी का एक टाइटल होना चाहिए. डायलॉग बिटवीन करेक्टर्स, और इनके करेक्टर्स के बीच में डायलॉग होने चाहिए. प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए और प्रॉपर पंक्चुएशंस होना चाहिए. ओके बेटा, देखो जो मैम स्टोरी बताएंगे, ज़रूरी नहीं है आपको वही स्टोरी राइट करनी है. आपको इस पिक्चर से जो स्टोरी आप अपनी तरफ से इमेजिन कर सकते हो, आप वो राइट कर सकते हो. ओके, लेकिन स्टोरी में क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए और प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए. बेटा आप ये किस पे राइट करोगे? आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए A4 शीट चाहिए, और आप राइट करने के लिए स्केच कलर्स यूज़ कर सकते हो, स्पार्कल्स कलर भी यूज़ कर सकते हो, और कोई पेन भी यूज़ कर सकते हो जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे. ओके, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़, बट इट शुड बी अट्रैक्टिव. ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ में आपके आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं. तो हम स्टार्ट करें. आपको कितनी पिक्चर्स दी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पिक्चर्स दी हुई हैं ना. ठीक है, इस पिक्चर का एक टाइटल, मैं इस पिक्चर का टाइटल क्या दे रही हूँ? देखो मैम ने तो ये स्टोरी को पहले अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया था, तो मैम इस स्टोरी का टाइटल दे रही हैं हेल्प टू ईच अदर. ठीक है, अब आप क्या टाइटल देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग दोगे. सो स्टोरी वी विल स्टार्ट विद वन पिक्चर. You can see two mice is here. यहाँ दो mice हैं. What they are doing? वो क्या कर रहे हैं? They try to hide themselves. वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई उन्हें देख ना ले. अब आपके घर में माउस क्या घूमते रहेंगे, आप उनको कुछ नहीं कहोगे? कहोगे ना, क्योंकि वो तो नुकसान कर देते हैं. Then, firstly, वो इधर उधर देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा. Then in second picture, what they will do? वो क्या करेंगे सेकंड पिक्चर में, वो क्या करती है, उन्हें टेबल पे क्या दिखाई देता है? एक बाउल के अंदर कुछ वाइट कलर का दिख रहा है. वाइट कलर का क्या हो सकता है? मिल्क भी हो सकता है, खीर भी हो सकती है. वो उसको निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं फटाफट. ओके, खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा. नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, आपको एक पैरट दिखाई दे रहा है ना. ये पैरट कौन है? ये पैरट उस हाउस में पेट पैरट है. ये उनका पेट पैरट है, और ये सब कुछ खाने का सामान उसके लिए रखा हुआ था. बट माइस क्या करते हैं, उसको डरा के और खाने की कोशिश करने लग जाते हैं फटाफट. ठीक है, जैसे ही वो खा के एकदम से भागते हैं, तो उनमें से जो उनका एक फ्रेंड होता है वो क्या करता है, वो ट्रैप में फंस जाता है. दूसरा फ्रेंड कहता है, दूसरा जो माइस होता है वो क्या कहता है, चलो इनको हम नाम दे देते हैं निबली और क्रिकी माउस. ठीक है, हमने चैप्टर हम इनको नेम दे देते हैं निबली और क्रिकी. ये निबली है और ये क्रिकी है. और क्रिकी फंस जाता है ट्रैप में. निबली क्रिकी को कहता है, व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, तुम तो फंस गए हो. और वो किसको देख के फंस जाते हैं? यहाँ आपको दिख रहा है ना चीज़, या इनको चीज़ दिखता है और वो चीज़ को लेने के चक्कर में ट्रैप में फंस जाते हैं. वो कहते हैं कि अब कुछ ऐसा करो जिससे कि हम इस ट्रैप से बच सकें. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, वो उस चीज़ के चक्कर में ट्रैप में फंसते हैं ना. उनको चीज़ दिख रहा होता है ट्रैप के ऊपर, उसमें फंस जाता है. कौन फंसता है? क्रिकी फंस जाता है. फिर क्या होता है, जब क्रिकी ट्रैप में फंस जाता है, वो अपने आप को निकालने की कोशिश करता है बट नहीं निकाल पाता. फिर जो एक माइस उनका और फ्रेंड होता है, एक माउस, वो आता है. वो क्या करता है,
इट विल कम एंड ट्राई टू हेल्प दैम, उनकी कोशिश करता है उनकी हेल्प करने की। तो वो क्या करता है, एक ब्रश लेकर आता है, इट्स जस्ट लाइक अ वाइपर टाइप होता है, और उससे उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो उसको छुड़ा देता है और वो बच जाता है। और वो भागे भागे फिर क्या करते हैं, वो छिप जाते हैं, किसके अंदर छिप जाते हैं, एक शीट के अंदर। दे हाइड देमसेल्फ इन द शीट एंड ट्राई टू मिसचीफ अगेन, और वो अपनी दोबारा नोटिनेस शुरू कर देते हैं, शरारती स्टार्ट कर देते हैं ना अपनी दोबारा। अब ये तो थी मैम की इमेजिनेशन स्टोरी, लेकिन आप इसको क्या इमेजिन करते हो बेटा, ये आपकी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरी मैम ने इमेजिन की है वही स्टोरी आप इमेजिन करोगे, आपको जो अपने अकॉर्डिंग स्टोरी लगती है वो आप इमेजिन करके राइट करोगे अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आपको किसी भी चीज़ की क्रैमिंग करने की कोई नीड नहीं है। ओके बेटा, आई होप कि आपने इस स्टोरी को इन्जॉय किया होगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू सबमिट इट बिफोर 6th of November। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।